हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिलाइट एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आप देख रहे हो एक्सपोनेंट का सीरीज नंबर 11, बेसिक सीरीज का वीडियो नंबर 38। आज हम क्लास 9 के चैप्टर 1 रेशनल नंबर के कुछ एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन, मगर इसमें एक खास तरह की कैटेगरी है, इसको हम सर्ड बोलते हैं या फिर रूट बोलते हैं। रूट और शर्ड के भी अपने खुद के एल्जेब्रा हैं, मगर वो वही जो एल्जेब्रा में जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, वही रूल्स और रेगुलेशन शर्ड में भी फॉलो किए जाते हैं। वैसे मैं बता दूं कि अगर आप 25 का रूट निकालते हो तो आपको आंसर 5 मिलता है। तो जैसे कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं तो आप उनके रूट निकाल सकते हो, बट कोई प्राइम नंबर होते हैं जैसे 2 है, 3 है, 7 है, 9 है, सॉरी 2 है, 3 है, 7 है, 11 है, तो ये जब प्राइम नंबर का आप रूट निकालते हो तो आप इनका रूट नहीं निकाल सकते हो। तो हम क्या करते हैं कि उनको सॉल्व करने के लिए एलजेब्रा के रूल्स को यूज़ करते हैं। तो जब आप कोई शर्ड वाले क्वेश्चन या रूट वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। मैं ये सारे रूल्स इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। आपको याद रखना है कि एडिशन सिर्फ लाइक टर्म में होते हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते वक्त आपको कोई लाइक और अनलाइक टर्म देखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे एडिशन के अंदर रूट एम प्लस रूट एम है। यहाँ पे रूट के अंदर दोनों नंबर सेम है तो ये लाइक टर्म माना जाएगा। जैसे हम एक्स प्लस एक्स करते हैं तो 2x होता है, तो सेम टू सेम यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा, 2 रूट एम हो जाएगा। बट मैंने बताया था मल्टीप्लाई के अंदर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पे आप लिखोगे रूट एम स्क्वायर। वैसे भी मैंने एलजेब्रा का जो वीडियो था उसमें बताया था कि एम इंटू एम या एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है। एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x और एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और वैसे मैं बता दूं कि जब किसी रूट के अंदर स्क्वायर आता है तो ये स्क्वायर और ये रूट कट हो जाते हैं, तो आंसर क्या बचता है, सिर्फ एम बचता है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे देखो एडिशन करना है और रूट के अंदर दोनों नंबर सेम नहीं है तो ये अनलाइक है, आप इसको ऐड नहीं कर सकते। मगर मल्टीप्लाई में लाइक अनलाइक नहीं देखना है, आप सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो रूट एम एन। नेक्स्ट बात करेंगे रूट एक्स रूट एम प्लस वाई रूट एम। यहाँ पे रूट के अंदर नंबर सेम है तो आप इनका एडिशन कर सकते हो, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट रूट एम हो जाएगा। मगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में लाइक अनलाइक नहीं देखना है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई रूट एम स्क्वायर। तो मैंने बताया था स्क्वायर अंडर रूट के अंदर कभी स्क्वायर नहीं आता, तो ये एक्स वाई वन के हिसाब से एम हो जाएगा। यहां पे देखो एक्स रूट एम प्लस वाई रूट एन, रूट के नंबर सेम नहीं है, अनलाइक हो जाएगा, बट यहां पे लाइक अनलाइक नहीं देखना है, तो एक्स इंटू वाई एक्स वाई रूट एम एन हो जाएगा। नेक्स्ट रूट एम 3 बार है, सारे नंबर सेम है, लाइक टर्म है, तो ये 3 रूट एम हो जाएगा। मगर यहाँ पे तो आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप तीनों को मल्टीप्लाई करा दो, रूट एम क्यूब हो जाएगा। रूट और क्यूब कट नहीं होते हैं तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हो, या फिर इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हो कि रूट एम स्क्वायर इंटू एम, ये रूट कट हो जाएगा, तो एक एम तो बाहर निकल गया मगर एक एम वैसे अंदर ही रहेगा। इस रूट का इस एम को रूट मिलेगा और इस एम को रूट कट हो जाएगा, इसलिए एम रूट एम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, जब दोनों नंबर सेम होते हैं मल्टीप्लाई होता है तो रूट एम स्क्वायर हो जाएगा। अभी मैंने सिखाया था 2 2 कट हो जाता है इसलिए एम बचेगा। फिर यहां पे देखो किसी नंबर का
शर्ड होता है और आप उसका स्क्वायर करते हो, तो ये स्क्वायर और रूट कट हो जाते हैं, तो आंसर क्या बचेगा? एम बचेगा। किसी रूट का आप पावर जीरो होता है, तो वैसे भी हमने एक्सपोनेंट वाले वीडियो में देखा था कि कोई भी नंबर हो, चाहे प्राइम हो, अनप्राइम हो, कंपोजिट हो, को प्राइम हो, उनकी पावर जीरो होने से आंसर तो वन ही हो जाता है। तो हमने कुछ बेसिस के बारे में डिस्कस किया। आप हमारे ट्यूशन क्लासेस के वॉल के ऊपर हमने इसके सारे रूल्स लिखे हुए हैं, आप नोटबुक में इसके सारे रूल्स लिख लेना। रूट एम है, तो मैं अभी रूट को कैसे लिख सकते हैं आप मैं दिखा सकता हूँ। रूट एम है, अगर आप कुछ यहाँ पे कुछ इस कॉर्नर में कुछ रूट के ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पे 2 लिखा रहेगा, मगर हम 2 को जनरली दिखाते नहीं हैं। तो मैं इसको पावर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको 1/2 करके लिखूंगा, और एम रेस टू 1/2 इज इक्वल टू रूट एम। जब कभी यहाँ पे 3 लिखा रहेगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एम रेस टू 1/3। फिर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो मैं एम रेस टू 1/4 लिखूंगा। फिर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो एम रेस टू 1/5 लिखूंगा। यहाँ पे एम रेस टू 1/6 लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एम इस तरीके से लिख सकता हूँ। 25 का रूट निकालोगे आंसर क्या मिलेगा आपको? 5। फिर 36 का रूट निकालोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको? 6। 49 का रूट 7। 81 का रूट 9। 121 का 1/2 लिखा हुआ है तो 1/2 वाले में देखो, 1/2 को कैसे लिखते हैं? रूट के फॉर्म में लिख सकते हो आप। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, रूट 1/2, 1/2 किसका स्क्वायर है? 121, ये 11 का स्क्वायर है, तो इसका रूट 11 निकल जाएगा। 125 का पावर 1/3 है, तो 1/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूब रूट के फॉर्म में, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 1/25 3। तो 1/25 का क्यूब रूट क्या होता है? 5, क्योंकि 5 5 जा 25 25 5 जा 125, तो 3 का 5 का रूट 5 का पावर 3 इज इक्वल टू 125 होता है, इसलिए 5 आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट 100 रेस टू 1/2 है, तो मैं चाहूँ तो एक और मेथड से लिख सकता हूँ। 100 है वो 10 का स्क्वायर है, तो मैंने 10 का स्क्वायर लिख दिया मल्टीप्लाई, 100 को मैंने 10 के स्क्वायर में लिख दिया और उसकी पावर क्या थी? 1/2 थी, तो 1/2 लिख दिया। यहाँ पे पावर ऑफ पावर हो रहा है, तो 10 2 इंटू 1/2, 2 कट हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या बचेगा? 10। नेक्स्ट 64 वाला क्वेश्चन है, 64 किसी का क्यूब है, 4 4 जा 16 16 4 जा 64, तो 64 है वो 4 का क्यूब है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, 4 रेस टू 3, रेस टू पावर 2/3 था। यहाँ पे पावर ऑफ पावर मतलब 4 रेस टू 2 इंटू 2/3 हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे 4 की पावर 3 है, तो मैं 3 लिखना भूल गया, यहाँ पे 3 कट हो जाएगा, तो 4 रेस टू 2 इज इक्वल टू 4 4 जा 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सारे रूट्स और शर्ड सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रूट्स और शर्ड के डिवीजन के बारे में, कि आप रूट का और शर्ड का डिवीजन कैसे कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ।
तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे m रूट y डिवाइड बाय रूट y है, तो रूट y कट हो जाएगा, तो आपको आंसर क्या मिलेगा m। यहाँ पे कोई भी नंबर कट नहीं हो रहा है, मगर मैंने आपको एक रूल सिखाया था कि आप m को दो बार रूट m की फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे मेरे पास अगर 2 है तो मैं 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 ऐसे दो बार लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं यही रूल यहाँ पे अप्लाई करूँगा, यहाँ पे m दिया हुआ है तो मैं m को लिख रहा हूँ रूट एक्स इंटू रूट वाई डिवाइड बाय, मैं इस x को दो बार रूट में लिख रहा हूँ रूट एक्स और इस y को भी मैं दो बार रूट में लिख रहा हूँ रूट वाई। तो यहाँ पे रूट एक्स कट हो गया, रूट वाई कट हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या बचेगा m बाय रूट एक्स रूट वाई। फिर यहाँ पे मैं इसको इस m को मैं दो बार रूट m में लिखूंगा रूट एम डिवाइड बाय रूट m, तो ये रूट एम कट हो गया, इसलिए आंसर क्या हुआ रूट m। फिर नेक्स्ट देखो रूट टू प्लस रूट थ्री दोनों अनलाइक टर्म है तो इनके एडिशन पॉसिबल नहीं है, मगर इसकी जगह पे ऐसा क्वेश्चन होता जैसे मान लेते हैं रूट टू इंटू रूट थ्री होता तो ये सॉल्व हो जाता और 2 × 3 होकर ये रूट सिक्स हो जाता। यहाँ पे 4 × √2 डिवाइड बाय 2 दिया हुआ है, 2 × 2 = 4, तो आंसर हो गया 2√2। नेक्स्ट बात करेंगे √2 × मैं इस 2 को दो बार रूट में लिख रहा हूँ √2 × √2, तो √2 √2 कट हो गया तो 1/√2। नेक्स्ट यहाँ पे 4 दिया हुआ है √3 है डिवाइड बाय 3 को मैं दो बार रूट में लिख रहा हूँ क्योंकि आप 3 को ऐसे लिख सकते हो, हमने एक रूल सिखाया था आपको m को भी आप दो बार रूट में लिख सकते हो, यहाँ पे m को कोई नंबर मान के चल रहा हूँ, तो √3 √3 कट हो गया तो आंसर बचेगा 4√3। इस तरीके से आप रेशनल नंबर को भी सॉल्व कर सकते हो। अभी हम इसके बाद एक आखिरी कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं ताकि आपको उस पेज के अंदर सारे क्वेश्चंस और सारे फॉर्मूला का एक बार रिवीजन हो जाए। मैं यहाँ पे सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, हम ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपके सारे शर्ट वाले क्वेश्चंस एक बार रिपीट हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं एक और भी क्वेश्चन ऐड कर देता हूं। अब यहां पे √2 + √5 है, तो √2 + √5 एडिशन करना है, एडिशन में लाइक अनलाइक देखना होता है, तो यहां पे 2 और 5 अनलाइक है, अगर √2 + √2 होता तो हम ऐड कर सकते थे, मगर दोनों रूट के अंदर दोनों नंबर डिफरेंट हैं इसलिए ऐड नहीं होगा, तो ये अनलाइक हो गया। यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि √2 × √5 होता तो ये √10 हो जाता, मल्टीप्लाई में लाइक अनलाइक देखने की जरूरत नहीं होती है। 2 × √3 + √3 है,
तो यहाँ पे लाइक है तो आप 3√3 लिख सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई है लाइक अनलाइक देखने की ज़रूरत नहीं है, 2√3 × 5 = √15। फिर यहाँ पे 2 × 3 = 6, मल्टीप्लाई में तो आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, √3 × √3 हो गया 6√9। आपको मालूम है रूट नाइन किसकी वैल्यू है, 3 की वैल्यू है, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। एडिशन है, लाइक अनलाइक टर्म देखना जरूरी है, रूट में 3 है, रूट में 4 है, ये सॉल्व नहीं होगा, अनलाइक हो जाएगा। वैसे भी आप रूट 4 का सॉल्व करोगे तो रूट 4 किसकी वैल्यू है, 2 की वैल्यू है, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पे रूट 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 2 = ये क्या हुआ, 4 आपका आंसर हुआ। यहाँ पे मैं 4 को 2 × 2 के फॉर्म में लिख रहा हूँ और रूट 2 को एज इट इज। एक रूल सिखाया था किसी भी नंबर को आप 2 बार रूट के फॉर्म में लिख सकते हो, तो रूट 2 को मैं 2 बार लिख रहा हूँ और इस 2 को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। मैंने इस वाले 2 को 2 बार रूट के फॉर्म में लिखा दिया है और नीचे रूट 2 है, √2 √2 कट हो गया तो 2√2 आंसर हुआ। नेक्स्ट 2 + √7 + 7, तो ये अनलाइक टर्म है, आप इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि 7 के पास अगर √7 होता, सपोज ये क्वेश्चन इस तरीके से होता, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूँ, 2√7 + 7√7, तो यहाँ पे रूट के अंदर दोनों के नंबर सेम है तो ये लाइक हो जाएगा और आप इसको 9√7 लिख सकते थे, आप इसका और इसका प्लस करा सकते थे, जैसे 2x + 7x = 9x होता है, इस तरीके से हम रूल फॉलो करते हैं। यहाँ पे देखो 2√7 × √7 है तो मल्टीप्लाई में तो लाइक अनलाइक देखना नहीं होता है और वैसे भी ये लाइक ही है, √7 = 49 और 49 किसका स्क्वायर है, 2 × 7 = 49 होता है, 2 × 7 = 14 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये दोनों लाइक हैं इसीलिए 5√5 के आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लेना है, तो 2 + 1 = 3√5 + 2√3। यहाँ पे रूट के अंदर नंबर डिफरेंट आ रहे हैं इसलिए एडिशन करना नामुमकिन है, अनलाइक टर्म हो जाएगा तो आप ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे किसी भी रूट का स्क्वायर होता है तो एक फॉर्मूला था √m² = m ही होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के अंदर, इस वीडियो के अंदर हमने शर्ड के काफ़ी सारे फॉर्मूलेज, काफ़ी सारे कंसेप्ट को कवर कर लिया है, तो इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाएं। अगले वाले वीडियो के अंदर हम इससे जुड़े हुए हम रेशनलाइजेशन मेथड का यूज़ करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे कोई भी इरेशनल नंबर को कैसे हम रेशनल नंबर में चेंज करते हैं वो हम देखेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच और इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट एक बार रॉबस्टली अच्छे हो जाएं। थैंक यू सो मच।